सही पैटर्न का अंडरवेयर पहनना मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। पूरे दिन तुम उसी में रहते हो एंड अगर तुमने रॉन्ग फॉर्मेट पहना है तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डूड सैल्यूट, क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज के वीडियो में ना मैं आपको बताता हूं ऐसे फोर पैटर्न, फोर स्टाइल के जो अंडरवेयर है जो आपके लिए परफेक्ट है। हर लड़के के क्लोजेट में यार ये होना चाहिए। अपने डूड क्लोजेट को बढ़ाओ, उसको इंप्रूव करो और ये सारे जो क्लोथिंग है उनको ऐड करो। कौन सा अंडरवेयर कब पहनना चाहिए, किस बॉडी टाइप के लिए भी, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो में। मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स को नीचे लिंक कर दूंगा वीडियो देखने के बाद, एंड में जाकर चेकआउट कर लेना। माय बेस्ट रिकमेंडेशन, तुम अडल्ट हो या टीनेजर हो मेरे भाई, ये ले लो। तो चलो दोस्तों लेट्स रोल द टाइटल। पहला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है बॉक्सर्स का। यार बॉक्सर्स मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप कोई हो ना जो बहुत मोटे हो या थोड़े हेल्दी साइड में हो, या अगर मैं कह सकता हूँ आपको बहुत नीचे पसीना आता है या डार्कनेस और वो सब चीजें हो रही हैं, मेरे भाई बॉक्सर्स एक परफेक्ट पैटर्न है जो आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देता है नीचे। ये मैं सिर्फ मोटे लोगों के लिए नहीं, मैं इन जनरल आप सबके लिए कह रहा हूँ, एक बॉक्सर आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए। बिकॉज यार आपको भी चाहिए कि वहां नीचे ब्रीदिंग स्पेस मिले। यार देखो पसीना आता है तो उसी चक्कर में तो ओडर क्रिएट होता है, ओडर क्रिएट होता है, आपको कालापन होता है, आपको इचीनेस होते हैं, पिंपल आते हैं। एक फंडा क्या है कि बॉडी जब स्वेट रिलीज करती है तो जाती तो उसी तरफ से भी है ना भाई, तो उससे क्या हो रहा है आपके ही सामान में हल्का सा डैमेज हो रहा है। यस आप इंटीमेट वॉश एंड वो सब तो यूज करेंगे ही, मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, वो भी चेकआउट कर लेना। बट इन जनरल अगर आप वहां पर ब्रीदिंग स्पेस दोगे तो आपके लिए ही अच्छा है, इसलिए एक बॉक्सर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बट मेरे भाई एक बात याद रखना कि आपको बॉक्सर में ना वो स्टैटिक जो होल्ड होती है ना वो नहीं मिलती है, वो आपका पूरा जो सामान है वो लटका ही रहेगा, आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलता है उसके ऊपर, पर वो बहुत सही है अगर तो आपको कंफर्ट वाला सिचुएशन चाहिए। दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है मेरे भाई वो है ब्रीफ। अगर यार अंडरवेयर का हो ना तो दिमाग में सबसे पहले ब्रीफ ही आता है। ब्रीफ बहुत बढ़िया है यार, अगर आपको एकदम स्टैटिक कंट्रोल चाहिए ना, एकदम पोजीशन होल्ड, ब्रीफ परफेक्ट है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप रनिंग के लिए जा रहे हो, वर्कआउट के लिए जा रहे हो, हाईली रिकमेंड कि आप ब्रीफ लेंगे। सपोर्टर्स भी जो आते हैं जिम के लिए वो भी ब्रीफ फॉर्मेट में रहते हैं, उसको बहुत जरूरी है। अगर आप कोई हो जो जिम जा रहे हो, स्क्वाट्स वॉट्स मार रहे हो, मेरे भाई एक सपोर्टर लेना ब्रीफ फॉर्मेट में। मैं सारे लिंक्स नीचे डाल के रखूंगा, वो चेकआउट कर लेना बाद में। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रीफ रखें अपने वार्डरोब में। ब्रीफ में आपको यार अच्छे से कंट्रोल मिलता है, एक आपको एक स्टडी पोजीशन मिलता है, एंड यू फील मच मोर सिक्योर बिकॉज आपका जो पूरा ओवरऑल पैकेज है वो कवर्ड है अच्छे तरीके से। तीसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है बॉक्सर ब्रीफ। यार बॉक्सर ब्रीफ ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ब्रीफ का एंड बॉक्सर्स का। अगर इसको मैं ना रिकमेंड कर सकता हूँ डेली वेयर के हिसाब से भी, अगर आपको हो ना जो लंबे हो, तो लंबे लोग को रेगुलर ब्रीफ में बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब 6 फीट के ऊपर वाला अगर आपको हो तो उनको रेगुलर ब्रीफ में ना बहुत ऑड लगता है, विथ रिस्पेक्ट टू उनकी जो साइड एज होती है अंडरवेयर की वो पतली होती है, एंड इससे क्या होता है आपके अगर लंबे आदमी हो तो टांग पतले लगेंगे एंड बहुत ऑकवर्ड दिखता है। इसलिए बॉक्सर ब्रीफ आपके लिए सही है अगर आप उतने लंबे हो, आपके कंफर्ट के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। रीजन है कि आपको उतना लंबाई भी मिलती है पूरे ब्रीफ रीजन में, एंड साथ साथ बिकॉज इट इज अ बॉक्सर ब्रीफ तो आपको ब्रीफ का सपोर्ट भी मिलता है। वेरी गुड आपके रेगुलर वॉक एक्टिविटीज के लिए, बाहर जा रहे हो कुछ कर रहे हो, ये बहुत सही। आप इसको रेगुलर पहन सकते हो यार, ऑफिस या कहीं पर भी आप जा रहे हो आपके ट्राउजर वाउजर के अंदर, भाई सॉर्टेड है। चौथा जो फॉर्मेट है वो है ट्रंक्स। यार ट्रंक्स बेसिकली आपके बॉक्सर ब्रीफ को थोड़ा छोटा कर दीजिए अगर आपको ये होना जिसको नहीं पसंद है यार इतना मटेरियल पूरा नीचे तक, बिकॉज यस बॉक्सर ब्रीफ में जो लेंथ है थोड़ी नीचे तक आती है, बट ट्रंक्स में वो बात नहीं है, ट्रंक्स ऊपर की तरफ है। अगर आपको पसंद नहीं है ना कि साइड एजेस पे इतना ज्यादा मटेरियल हो, यू लाइक दैट फ्रीडम, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लगती है, उतना कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए, देन आपके लिए ट्रंक्स परफेक्ट है बिकॉज आपको वो सेम फॉर्मेट मिल रहा है डेली वेयर वाला विथ लेस ऑफ मटेरियल, मोर ऑफ ब्रीदिंग स्पेस, तो आपको ये चीज बढ़िया पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों ये मेरे टॉप 4 रिकमेंडेशन थे जो हर लड़के के क्लोजेट में होना ही चाहिए। मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने सर्च करके सबसे बेस्ट वाले नीचे डाले हुए हैं। भले अगर आप बहुत मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, या बहुत स्वेटी हो रहा है और आपको नीचे ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं भाई, मैंने सारे सजेशन डाल दिए, जाके उसे चेकआउट कर लेना, मंगा लेना। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना। तुम्हें और कोई वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, या मुझे फॉलो करके आप डीएम कर देना कौन से टॉपिक पे वीडियो बना रहा। आज का जो वीडियो था वो रिक्वेस्टेड वीडियो था भाई आकाश। आकाश ने मुझे डीएम किया था कि भाई अंडरवेयर के ऊपर कौन सा लेना चाहिए, क्या सही है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। आकाश में उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त तुमको हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से, एंड अगर आप लोग को भी चाहिए कि मेरे को ऐसा वीडियो बनाओ तो मुझे आप जरूर कमेंट कीजिए या फॉलो करके डीएम कर देना। भाई ये बात याद रखना कि मैं आपको रिप्लाई करने के लिए टाइम लगाऊंगा,
बिकॉज रिसेंट टाइम में मैं डबल ट्रिपल काम कर रहा हूँ, 16-16 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं मेरे, एंड मैसेजेस अभी भी पाइल्ड अप है. मतलब लिटरली ना मेरे लाइफ के 5 घंटे निकलते सबको रिप्लाई करने के लिए, एंड अभी मेरे पास और 800 DMs आ गए हैं. मतलब अकेले संभाल रहा हूँ तो थोड़ा समझ जाओ यार कि रिप्लाई करने में टाइम जाएगा. मैं रिप्लाई दूंगा, बस जस्ट हैव पेशेंस. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको शाउट आउट दूं मेरे वीडियो में, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है. मेरा ये वीडियो या आप कोई भी वीडियो आप ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट कीजिए, मुझे टैग कीजिए एंड हैशटैग यूज कीजिए विनीत गौर या व्हाट द डूड, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, मैं आपको शाउट आउट जरूर दूंगा. तब तक के लिए तुम जहां पर भी हो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान देना मेरे भाई. मैं मिलूंगा तुमको बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.